हेलो गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है यूआरएल क्या होता है। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में आपने यूआरएल के बारे में तो कई बार सुना होगा, तो क्या आप जानते हैं कि यूआरएल क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है यूआरएल, जिसका पूरा नाम यूनिक रिसोर्स लोकेटर है, जो इंटरनेट पर अपलोड वेबसाइट, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और फाइल कहाँ और किस सर्वर पर अपलोड है की सारी जानकारी एक एड्रेस के फॉर्म में दिखाता है। बहुत आसान है दोस्तों, यूआरएल कंप्यूटर की दुनिया में एक ऐसा यूनिक रिसोर्स लोकेटर होता है जो कि दोस्तों इंटरनेट पर अपलोड किसी भी वेबसाइट का या फिर कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, फोल्डर, जो कुछ भी दोस्तों आपका डेटा होता है वो इंटरनेट में किस सर्वर पर अपलोड है, इसकी सारी जानकारी एक एड्रेस के रूप में दिखाता है। और ये दोस्तों आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आपको दिखाई देता है। और गाइस, इसके बाद में लिखा है इंटरनेट में यूआरएल किसी भी फाइल का या फिर किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो यूजर को सर्वर पर उपलब्ध वेबसाइट तक लेके जाता है। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इंटरनेट में यूआरएल जो भी होता है वो दोस्तों बहुत यूनिक होता है किसी भी एक फ़ोटो के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, किसी भी फ़ोटो के लिए, किसी भी वीडियो के लिए जो भी यूआरएल रहता है वो दोस्तों यूनिक होता है। उसके जैसा यूआरएल पूरे इंटरनेट पे दूसरा नहीं होता है। तो गाइस, यूआरएल काम क्या करता है? जो भी दोस्तों इंटरनेट इस्तेमाल करता है, जो भी इंटरनेट यूजर होता है, उसको दोस्तों सर्वर पर, जहाँ पर जिस भी सर्वर पर वेबसाइट अवेलेबल है तो उस सर्वर पर अपलोड वेबसाइट तक लेके जाता है। यही हमारे यूआरएल का काम होता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंटरनेट पर किसी वेब पेज का एड्रेस सामान्यतः ऐसा होता है। नॉर्मली दोस्तों आप जब भी वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको यूआरएल जो दिखाई पड़ता है वो दोस्तों इस तरीके से लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय, ब्राउजिंग करते समय, किसी वेबसाइट पर विजिट करते समय आपको जो यूआरएल दिखाई देता है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। तो गाइस, हमारे यूआरएल के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला पार्ट दिया रहता है HTTP या फिर HTTPS। तो गाइस, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं इंटरनेट के अंदर। और गाइस, प्रोटोकॉल के बारे में तो आप जानते होंगे, सेट ऑफ रूल्स इन इंटरनेट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। इसके बाद में गाइस, जो आगे दिया रहता है www.google.com या फिर yahoo.com या फिर जो भी .com दिया रहता है, तो इसमें दोस्तों जो हमारा www होता है ये दोस्तों वेब सर्विस प्रोवाइडर होता है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा गूगल दिया रहता है ये दोस्तों हमारे सर्वर का नाम होता है। जैसे दोस्तों हमारा जो फाइल फोल्डर या फिर जो भी आप देख रहे हैं वो दोस्तों हमारा गूगल के सर्वर पर अपलोड होता है, या फिर दोस्तों जो भी वेबसाइट होती है तो उस वेबसाइट के सर्वर पर अपलोड होता है। यहाँ पर गूगल की जगह कोई और वेबसाइट भी हो सकती है, तो दोस्तों ये हमारा सर्वर का नाम होता है। इसके बाद में दोस्तों जो डॉट और कॉम लिखा होता है ये दोस्तों .com एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम पर मैंने पूरा वीडियो अलग से बना रखा है, तो गाइस इसको हम लोग .com बोलते हैं, जो कि हमारा डोमेन नेम होता है। इसके बाद में गाइस, जो सबसे लास्ट में दिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है thecswala.html, तो गाइस ये जो यहाँ पर लिखा है ये दोस्तों हमारी फाइल का नाम होता है। जो फाइल आप विजिट कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर, तो ये हमारी फाइल का नाम होता है thecswala। और इसके बाद में यहाँ पर जो .html लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो फाइल है वो HTML की फाइल है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई एक फाइल है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ URL, या फिर कहें तो URL के पार्ट्स। तो गाइस, हमारे URL के 5 पार्ट होते हैं, या कहें तो नॉर्मली 3-4-5 पार्ट तो होते ही हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट दिया रहता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसके बाद में दोस्तों हमारी वेब सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि www होता है। तो वैसे जो तीसरा पार्ट होता है वो सर्वर होता है। सर्वर में यहाँ पर जैसे गूगल है, याहू है, या फिर कोई भी वेबसाइट जो भी आप बनाते हैं, तो वैसे उस वेबसाइट का जो नेम होता है जो आप यूज करते हैं यहाँ पर, तो उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। इसके बाद में .com, .in, .net, .gov, .in, तो वैसे ये जो भी .com वगैरह लगा होता है, जो भी .se से स्टार्ट होता है, तो वैसे उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। अब दोस्तों डोमेन भी कई तरीके के होते हैं, तो इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। अब वैसे इसके बाद में लास्ट में आपका आता है फाइल, जो कि दोस्तों फाइल यहाँ पर लिखी हुई है। तो वैसे इसको हम लोग बोलते हैं URL इंटरनेट की दुनिया में। तो वैसे आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में URL क्या होता है। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज़ द वॉइस CS वाला, ओवर एंड आउट।